नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके पसंदीदा सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर जुड़ी है अक्षरा सिंह से, क्योंकि अक्षरा सिंह लगातार दो दिन अपने स्टेज शो करने वाली हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने लाइव आकर दी है। पवन सिंह चिंटू की एक फिल्म में गाना गाने वाले हैं, इस बात का खुलासा खुद चिंटू ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। अक्षरा सिंह अपने पापा के साथ शॉपिंग करती हुई स्पॉट की गई हैं मुंबई में। खेसारी लाल की एक फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है और अक्षरा सिंह का एक नया एल्बम आप लोगों के बीच फिर से आने वाला है, जिसके बोल हैं जुल्मी जवानी सतावे सखी। तो जितने खबर हमने आपको बताई है उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी इंडस्ट्री की मृगनयनी और स्टाइल आइकन क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में है। इन दिनों अगर बात की जाए अक्षरा सिंह की, तो इन दिनों उनकी कई सारी फिल्में देखने को मिलने वाली हैं, तो साथ ही साथ आए दिन उनकी कोई ना कोई नई एल्बम आती रहती है। तो हाल ही में अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उनके पिता बिपिन सिंह भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है शॉपिंग विद डैड। बता दें आपको कि बिपिन सिंह अपनी बेटी अक्षरा सिंह से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है, और साथ ही साथ बिपिन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों ही अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं और दोनों की जोड़ी जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट पिता और बेटी की जोड़ी कही जाती है। ऐसे में अक्षरा सिंह अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं और साथ ही साथ इन दिनों वो अपने कई सारे एल्बम और फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं और जल्द ही उनका एक और एल्बम रिलीज होने वाला है। अब ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि 2019 में अक्षरा कौन कौन सी नई फिल्में लेकर आती हैं और पिता बिपिन का कितना साथ मिल पाता है उनको उनकी आने वाली फिल्मों, एल्बम और गानों में। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं, तो साथ ही साथ उनकी कई फिल्में भी चर्चे में हैं और हाल ही में उनकी एक फिल्म जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था बलम जी लव यू, उसके एक गाने का पूरा वीडियो रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि इस गाने के बोल हैं डाल के केवाड़ी में किल्ली। बता दें कि ये गाना काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया गया है और साथ ही इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का काफी एक्शन भरा अंदाज देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए गाने की, तो बता दें आपको कि इसमें सुर है खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के और साथ ही लिरिक्स दिए हैं श्याम देहाती ने और म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा। बता दें आपको कि इस गाने में खेसारी काजल का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इस गाने में काफी कुछ अलग और काफी ज्यादा खूबसूरती से इस गाने को फिल्माने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों अगर बात की जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, तो बता दें आपको कि इन दिनों जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो अपनी फिल्मों के अलावा और भी बाकी के एक्टर और एक्ट्रेसेस की फिल्मों में कभी स्पेशल सॉन्ग करते नजर आते हैं तो कभी कुछ अलग करते हुए नजर आते हैं और उन फिल्मों में एक कैमियो रोल करते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में चिंटू यानी कि प्रदीप आर पांडे चिंटू ने बताया कि उनकी किसी आने वाली फिल्म में पवन सिंह गाना गाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने फिल्म का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बताई कि उनकी कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें पवन सिंह उनके लिए गाना गाने वाले हैं। अब ये देखना भी काफी मजेदार हुआ कि चिंटू की ऐसी कौन सी फिल्म आने वाली है जिसमें पवन सिंह स्पेशल अपीयरेंस देंगे और गाना गाते हुए नजर आएंगे। हर किसी को पवन सिंह के गाने का या फिल्मों का और एल्बम का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, तो ऐसे में जब ऐसी खबर आई है तो हर किसी को चिंटू की उस फिल्म का इंतजार है जिसमें पवन सिंह गाते हुए नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों खेसारी लाल यादव अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं और हाल ही में खेसारी लाल यादव की एक फिल्म YouTube पर ट्रेंडिंग में बनी हुई है, जिसको आप YouTube पर पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर देख सकते हैं। बता दें आपको कि ये फिल्म जो है YouTube पर आपको गुनाह के नाम से शो करेगा, जिसका असली नाम है लहू के दो रंग। बता दें आपको कि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की, तो ये फिल्म काफी ज्यादा पुरानी है क्योंकि उसमें खेसारी लाल यादव का लुक बिल्कुल ही अलग लग रहा है अभी के लुक से। वहीं बता दें आपको कि इस फिल्म में उनके साथ काजल राघवानी नहीं बल्कि अंजना सिंह है और उनके साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इस फिल्म में खेसारी लाल यादव का
काफी जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है और फिल्म की कहानी भी कहीं ना कहीं लोगों को खासा पसंद आई है और इसलिए अब तक ये फिल्म काफी ज्यादा देखी जा चुकी है और इसे हर कोई काफी पसंद कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को YouTube पर अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड किया गया था और अब ये फिल्म YouTube पर ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी हुई है। तो ऐसा देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खेसारी लाल यादव की नई फिल्मों के साथ साथ पुरानी फिल्मों को भी लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। इन दिनों आम्रपाली दुबे और मनोज टाइगर की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा काफी चर्चे में है और हाल ही में इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। बता दें आपको कि इस गाने को गाया है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने और नीतू श्री ने इसे अपनी आवाज दी है, जो कि फिल्माया गया है आम्रपाली और मनोज टाइगर पर। और साथ ही साथ इस फिल्म में अगर बात की जाए आम्रपाली और मनोज टाइगर के रोल की, तो बता दें आपको कि मनोज टाइगर और आम्रपाली, जहां आम्रपाली नजर आ रही हैं एक एक्ट्रेस के रोल में, तो वहीं मनोज टाइगर दिखाई दे रहे हैं बताशा चाचा के रोल में, जो कि आम्रपाली को सचमुच पाना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनका सपना पूरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ बताया गया है इस फिल्म के ट्रेलर में। और आने वाली फिल्म में क्या कुछ नया ताजा देखने को मिलेगा और इस फिल्म की पूरी कहानी क्या होगी है तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है और इसे आप सोशल मीडिया पर जाकर सुन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने इस गाने को सुन लिया है तो हमें ज़रूर बताइए कि इस टाइटल सॉन्ग को सुनकर आपको कैसा लगा और इस टाइटल सॉन्ग में क्या कुछ खास देखने को मिला आपको। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। हाल ही में अरविंद अकेला कल्लू की एक फिल्म की शूटिंग शुरू की जा चुकी है। बता दें आपको कि इस फिल्म का नाम है दिल धक धक करे, जिसकी शूटिंग शुरू की गई है मुंबई में। वहीं बात करें कल्लू की इस फिल्म के बारे में तो बता दें आपको कि इस फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि ये फिल्म मुंबई की खूबसूरत जगहों पर फिल्माई जानी है और इस फिल्म में कौन सी अदाकारा आएगी फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अब तक कल्लू की कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और कई फिल्मों की शूटिंग शुरू होनी बाकी है, जिनमें दिलवर और राज तिलक शामिल हैं, जिनकी शूटिंग पूरी की जा चुकी है। तो वहीं आने वाले टाइम में वो फिल्म छलिया की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसकी तारीख 1 फरवरी से बताई जा रही है। और साथ ही साथ उनकी फिल्म दिल धक धक करे की शूटिंग आज से शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के युवा स्टार और स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। प्रदीप पांडे चिंटू को सीक्वल फिल्मों के लिए फिल्म मेकर जरूर चुनते हैं। हाल ही में एक मराठी फिल्म मेकर की भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री हुई है, जिन्होंने चिंटू के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया है। लेकिन चिंटू की इन सारी फिल्मों के अलग हटकर एक ऐसी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म में चिंटू के साथ अक्षरा सिंह जो नज़र आने वाली हैं। 2 साल बाद चिंटू के साथ अक्षरा इस फिल्म के जरिए नज़र आएंगी। इनकी पहली फिल्म थी सौगंध गंगा मैया के और दूसरी फिल्म है विवाह, जिसकी शूटिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। जानकारी के लिए बता दें कि उम्र के मामले में अक्षरा सिंह चिंटू से 1 साल बड़ी हैं, लेकिन चिंटू ने अक्षरा के अलावा रानी चटर्जी और कितनी ना जाने बड़ी एक्ट्रेस के साथ किया और तब भी उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। विवाह फिल्म की कहानी बेहद पारिवारिक है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पारिवारिक कहानी के साथ चिंटू के साथ अक्षरा की जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आएगी। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में यूं तो कई तरह की फिल्में, गाने और एल्बम बनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी के सुपरस्टार्स की तो बता दें आपको कि भोजपुरी के सुपरस्टार्स भी अपनी बातों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं और हर कोई इन तीनों स्टार यानी खेसारी, पवन और निरहुआ के साथ फिल्मों में काम करने का सपना देखता है। वहीं अगर बात की जाए भोजपुरी के बाकी के स्टार्स की तो इन दिनों प्रदीप, आर पांडे, चिंटू भी अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं। तो वहीं हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप किसी सुपरस्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पवन सिंह के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन
मैं उनके साथ काम इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कई बार वो अपनी फिल्मों को लेकर बिजी रहते हैं, तो कई बार मैं भी अपनी फिल्मों में बिजी रहता हूँ। ऐसे में दोनों को टाइम नहीं मिल पाता है और फिर फिल्मों को लेकर कई बातें ऐसी होती हैं जिस वजह से मैं उनके साथ काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो पवन सिंह के साथ मैं काम करना ज़रूर चाहूँगा। अब चिंटू की ये इच्छा कब पूरी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चिंटू भी इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ पवन सिंह की तो बात ही कुछ और है और 2019 में उनकी भी तमाम फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से चांदनी की रिपोर्ट। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी, आपके मन पसंदीदा सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।